ओम शांति। आपका प्रश्न है कि देवियों के मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर क्यों बनाए हैं? देवियों के मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर क्यों बनाए हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप शिव। अब ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे स्थान पर तो होना ही चाहिए। सबसे पहले बाप का मंदिर शिव का लिंग पहाड़ों पर सबसे ऊंचे स्थानों पर रखा गया, क्योंकि वो ऊंचे ते ऊंचा है। तो ऊंचा तेरा ठाम, सबसे ऊंची जगह पर रहने वाला है। परमात्मा के बाद शिव की शक्तियां आती हैं, तो वो भी अपने ऊंचे स्थान पर रहने वाली हो गई। अब उन्होंने उसी प्रकार से देवियों के भी मंदिर ऊंचे स्थानों पर बनाए, पहाड़ों पर बनाए। क्योंकि ऊंची जगह पर रहने वाले हैं ना, संसार से न्यारा रहने वाले हैं ना, तो संसार से न्यारा रहने वाला होने के कारण, ऊंचे स्थान पर रहने ऊंचे होने के कारण उनको पहाड़ों के ऊपर मंदिर बना दिए। बाकी देवी देवताओं के मंदिर तो जहां रहते हैं वहीं बनाने बाद में शुरू किए, जैसे उनको सुविधाएं लगी उन्होंने वहां बनाने शुरू कर दिए। क्योंकि देवियां ब्राह्मण शिव बाबा की जगदम्बा जितने भी हैं उनका संबंध शिव के साथ संगम पर बाबा कहते देवताओं से भी ऊंच है, देवी देवताओं से भी ऊंच है। ब्राह्मण सो देव जगत अम्बा जगत जननी। इसलिए देवियों के मंदिर शिव के साथ साथ ऊंचे स्थानों पर बनाना निश्चित। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।